दिल्ली में कोरोना वायरस को मात देने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा होता दिखा है। शनिवार को लगातार चौथे दिन नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार नए मामले 1781 रहे, जबकि 2998 ने वायरस को शिकस्त दी। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 110,921 पर पहुंच गया है, जबकि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 87,692 हो चुकी है। बता दें कि 9 जुलाई को सबसे ज्यादा 4,027 मरीज ठीक हुए थे। पिछले 24 घंटों में 34 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 3334 पर पहुंच गई है। इस दौरान चिंता बढ़ाने वाली बात यह रही कि कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 643 हो गई है। बता दें कि 7 जुलाई को नए मामले घटकर 1379 आए थे। इससे पहले दिल्ली में 23 जून को 3947 एक दिन के सर्वाधिक मामले आए थे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली ऐसा राज्य है जहां संक्रमितों का आंकड़ा 1,00,000 से अधिक है। महाराष्ट्र में वायरस का आंकड़ा तो 2,00,000 से अधिक हो चुका है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या भी आज 21,146 से घटकर 19,895 रह गई। आपको बता दें कोरोना जांच में पिछले कुछ दिनों में आई तेजी से कुल जांच का आंकड़ा 7,68,617 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 21,508 सैंपल की जांच की गई। इसमें से आरटीपीसीआर से 9,767 और रैपिड एंटीजन की जांच 11,741 थी। 3 जुलाई को रिकॉर्ड 24,165 जांच की गई थी। दिल्ली में 1,00,000 की जनसंख्या पर जांच की औसत बढ़कर 40,453 हो गई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।